हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डेयरिंग टेक। आज हम बात करने वाले हैं हम अपना पीएफ पासबुक कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों आपको पता होगा एक नंबर भी होता है अपना पीएफ अकाउंट चेक करने के लिए, यानी आपका पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए। तो दोस्तों उस नंबर पे होता क्या है कि आप उस नंबर से चेक कीजिएगा तो जो पार्ट आपका कटा है यानी जो जितना पैसा आपका कटा है सिर्फ उतना ही पैसा बताएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे अपना पूरा पार्ट देखें जो मेरा कटा है और कंपनी का भी, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपना पासबुक पीएफ पासबुक डाउनलोड करना होता है। तो हम पीएफ पासबुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं ये आपका ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आप खुद से और अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम कैसे अपना पीएफ पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन से, वो भी आसानी से 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम अपना पीएफ पासबुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना ईपीएफ पासबुक डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, या तो आप क्रोम ब्राउज़र में भी जा सकते हैं या अपने फ़ोन के सिंपल ब्राउज़र यानी गूगल पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ से आप सिंपली आसानी से अपने वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। तो उसके लिए आपको लिखना है वहाँ पर पीएफ पासबुक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लाइव। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ पीएफ पासबुक। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद आपके पास रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो जो दोस्तों आपका पहला वेबसाइट आता है यानी फर्स्ट नंबर पे, पहले वाले पे आपको उस पर ही क्लिक करना है। तो आप सबसे ऊपर वाले वेबसाइट यानी पहले नंबर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालना होता है, साथ में कैप्चा भी डालना पड़ता है। और कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन वाला बटन दिख रहा है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले मैं अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल लिया हूँ, आप भी वहाँ से डाल लीजिए अपना, और 11-8 जो कि कैप्चा है यहाँ से हम अपना कैप्चा डाल सकते हैं। तो मैं कैप्चा डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपना कैप्चा डाल लिया हूँ, अब यहाँ से हमको करना है लॉगिन। तो आप आसानी से यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों लॉगिन करने के बाद जो हमारा आपके सामने इंट्रो खुल के आ जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेंबर आईडी जो कि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। आप यहाँ से अपना मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मेंबर आईडी यूँ होता है दोस्तों, जैसे आप एक से अधिक कंपनी में काम किए हैं तो आपका 2 मेंबर आईडी होगा, अगर आप 2 कंपनी में काम किए हैं, अगर 3 में किए हैं तो 3 मेंबर आईडी होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से कंपनी का आपको पासबुक डाउनलोड करना है। तो वो सबसे पहले आप अपना मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लीजिए उस कंपनी का, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। दोस्तों ये 3 ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ क्या क्या है। पहला जो है व्यू पासबुक, यानी आप पासबुक देख सकते हैं पर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड पासबुक, जहाँ से हम पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जो कि तीसरा वाला है उसमें क्लेम स्टेटस दिखता है, यानी आप कोई भी विड्रॉ करते हैं उसका स्टेटस देखने के लिए आप तीसरे वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो हमको यहाँ पे पासबुक डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या, सेकंड वाले ऑप्शन पे हमको जाना है। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन है, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से आपका पासबुक डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों सर्च ले रहा है, अब ये मेरा पासबुक डाउनलोड रेडी हो गया, यहाँ से हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ग्रीन वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ से अपना पासबुक सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो ये दोस्तों मेरा पासबुक डाउनलोड हो चुका है, अब इसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से पार्ट में पैसा जाता है पीएफ कटने के बाद। तो दोस्तों ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये पासबुक खुल के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये टोटल अमाउंट यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऊपर यहाँ पे बता रहा है कि कर्मचारी यानी एम्प्लॉय शेयर कितना कटा है और नियोक्ता शेयर यानी एम्प्लॉयड शेयर कितना कटा है। तो ये जानकारी दे दूँ, और भी यहाँ पर आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं। तो दोस्तों कौन कौन सा बॉक्स में कौन कौन सा पैसा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले जो बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें एम्प्लॉय शेयर है, वो आपका जो कटा हुआ पैसा है वो दिया है। और यहाँ पे आपको डेट दिख रहे होंगे बाएं साइड पार्टिकुलर्स में, वहाँ पे आप किस किस मंथ में कितना कितना पैसा आपका कटा है वो पहले वाले बॉक्स में है। और सेकंड वाले बॉक्स में जो है एम्प्लॉयड शेयर है, यानी आपका जो कंपनी जमा किया है वो वाला पार्ट सेकेंड वाले बॉक्स, और पेंशन अनुदान जो कि लास्ट वाले कॉलम में है। तो आपका जो कटा है वो पहले वाले कॉलम में है, और जो कंपनी का कटा है वो एम्प्लॉयड शेयर यानी सेकेंड वाले बॉक्स में और लास्ट वाले बॉक्स में, दोनों के जोड़ के, यानी कुछ पार्ट कंपनी वाला पेंशन अनुदान में भी चला जाता है। तो इस तरह से आपका 3 पार्ट टोटल करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका कितना कटा है। तो यहाँ पे मेरा जो है 7575 रुपये, और जो कंपनी काटी है वो उसमें से 2601
प्लस 3553 दोनों को ऐड करने पे आपको 7575 रुपये हो जाता है। तो यानी जितना आपका कटा है उतना कंपनी का कटा है। तो इस तरह से ही आपका पासबुक डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पासबुक में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा कंपनी में भी काम किया है तो अलग अलग मेंबर आईडी चूज करके अलग अलग पासबुक आप आसानी से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।